राजधानी देहरादून में बद्री केदार मंदिर समिति की बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें त्रियुगी नारायण मंदिर क्षेत्र को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड को विकसित करने की बात कही थी, जिसके तहत अब राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में BKTC के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि उत्तराखंड के महत्वपूर्ण और पौराणिक मंदिरों को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, आप जानते हैं कि गत दिनों जब देहरादून में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने अपने उद्बोधन में उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन की अपार संभावनाएं जताई थी, उस अनुरूप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो हमारे कई ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में जैसे ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर है, ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकाल में बाबा केदार की पूजा वहीं पर संपादित होती है और उसको भी हम वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर रहे हैं और वहां पर हमारे प्रथम चरण के निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। द्वितीय चरण के निर्माण कार्य भी शीघ्र ही हम प्रारंभ कर देंगे। इसी प्रकार से त्रिजुगी नारायण है, त्रिजुगी नारायण की भी जो महत्व